Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यू लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रामपुर लोकसभा और फिर रामपुर विधानसभा चुनाव की चर्चा हुई थी, क्योंकि रामपुर लोकसभा से आजम खान ने इस्तीफा दिया था, वहां पर जब चुनाव हुआ तो वहां पर वो चुनाव हार गए, यानी कि वो जिनको टिकट दिए थे वो असीम रजा, वो चुनाव हार गए। इसके बाद जो है उनकी विधायकी की कुर्सी चली गई एक मामले में 3 साल की सजा के बाद। तो कुर्सी चले जाने के बाद फिर से वहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और इसके बाद आजम खान की भी कुर्सी चली गई। कुर्सी चले जाने के बाद आकाश सक्सेना जो कि विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कब्जा जो है आजम खान के लखनऊ वाला आवास पर हो गया। इसके बाद आजम खान की अब जो है जेब ढीली पड़ती नजर आ रही है। वो पूरा मामला क्या है, क्यों जेब ढीली पड़ गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार ने कोर्ट में 15,000 रुपए का जुर्माना भर दिया है। कोर्ट ने उन पर अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई के दौरान हिला हवाली बरतने पर 2 बार में 15,000 रुपए का हर्जाना डाला था। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के स्वार विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई चल रही थी और इस केस में बचाव पक्ष की ओर से हिला हवाली बरती जा रही थी। सुनवाई के दौरान और आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से गवाह में जिरह नहीं की जा रही थी। इस पर पहले 15 दिसंबर को कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया था। इसके बाद 22 दिसंबर को कोर्ट में हिला हवाली बरती गई। इस पर कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। 2 तारीख पर 15,000 रुपए का हर्जाना लगने के बाद शीतकालीन अवकाश खत्म होने के बाद खुली कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से हर्जाना जमा किया गया। भाजपा नेता ने अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की पक्ष की ओर से 15,000 हर्जाना जमा कर दिया गया है और अब जो है आजम खान की जेब भी ढीली पड़ती नजर आ रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।